हेलो स्टूडेंट, आज का जो मेरा सेशन है निमसेट 2019 के न्यू नोटिफिकेशन को लेके, आप लोगों ने जो क्वारी भेजी थी या जो आपके डाउट्स थे उनको मैं सॉल्व करना चाहूँगा, और साथ में जो बचे हुए, क्योंकि बचे हुए आज 31 मार्च है तो हमारे पास 56 डेज बचे हुए हैं। इन 55 डेज में इम्पिटस गुरुकुल में किस तरह से आपको सपोर्ट मिलेगा, कैसे आप जुड़ सकते हैं, सारे डिस्कशन करूँगा। सबसे पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहूँगा, जो आपने देख भी ली होगी न्यूज़, कि निमसेट के फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट 7 अप्रैल हो गई है। पहली चीज़ ये हुई, राइट? ये डेट भी इसलिए बढ़ाई गई है बिकॉज गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की 900 सीट निमसेट के में एग्जाम में जुड़ गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि निमसेट के स्कोर कार्ड से ही आपको इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने वाला है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आती है, अच्छे प्लेसमेंट्स हैं, और 900 सीट ऐड होने का मतलब आप समझ सकते हैं काफ़ी नंबर, बड़ा फिगर है। तो आप उन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं जहां पर अच्छे प्लेसमेंट्स हैं, पर अभी भी त्रिची, वारंगल, सूरतकल हम टॉप पे ही रखेंगे। इसके अलावा ये नोटिफिकेशन इसलिए भी बताना जरूरी था क्योंकि अभी अभी मैं कई बच्चों ने मुझसे जब बात की थी, उनको जिन्होंने जब भी बोला था जब ये इंद्रप्रस्थ नहीं जुड़ा हुआ था कि फॉर्म फिल करो, पर कई बच्चों ने बोला सर क्योंकि ग्रेजुएशन के एग्जाम्स हैं और इस साल हमने प्रॉपरली प्रिपरेशन नहीं किए तो हम नेक्स्ट ईयर ही ड्रॉप लेके भरेंगे। जब भी मैं यही बोलता था, आप मेरे किसी भी सेशन में सुनिए, फॉर्म फिल करिए, रियल एक्सपीरियंस लीजिए। अब मैं फिर बोलूंगा क्योंकि देखिए सीट्स भी बढ़ गई तो एक ऑप्शन आपके पास आ गया है, एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, एक अच्छी रैंक आती है। आप लें एडमिशन ना लें ये डिफरेंट थिंग है, पर कहीं ना कहीं आपके रैंक से आपको नेक्स्ट ईयर पता होता है क्या करना है। तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा आप में से कुछ लोगों ने फिर से वही, पिछले सेशन में मैंने बोला था अभी भी कि सर ओरिजिनल मार्कशीट सबमिट कर दिया है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है, ओबीसी का स्टेट या सेंटर का सर्टिफिकेट लगेगा, ऐसे कई सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे। मैंने जब भी बोला था और अभी फिर बोलूंगा कि उसके लिए एक्चुअल में आपको लॉजिकली nitk.edu पे मेल करेंगे आप तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो आप उन्हें एक ऑफिशियल मेल करिए contact.nimset@nitk.edu.in पर, या फिर ये जो नंबर्स लिखे हैं मैंने, इन नंबर्स पे, मैंने पिछली बार भी बताया था, इन नंबर्स पे फोन करिए। क्योंकि देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ फॉर्म भरते समय इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पूरा पढ़ना चाहिए, और उनको फोन करके अपनी प्रॉब्लम बताइए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूंगा कि अगर आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में एक FAQ सेक्शन में जाएंगे तो जो क्वेश्चन आप मुझसे पूछते हैं उन क्वेश्चन के सारे रिप्लाई दिए, कि सेंटर का सर्टिफिकेट लगेगा, कौन सा प्रोफॉर्मा होगा, EWS का क्या प्रोफॉर्मा होगा, यानी सब कुछ उन्होंने बहुत क्लियरली दिया। तो जो क्वेश्चन आपके थे वो आप देखिए, क्योंकि जब मुझसे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं हमेशा बोलता हूँ FAQ देखा सर, नहीं देखा। अरे एक बार देखो तो आप, भाई स्मार्टफोन यूज करते हो, इंटरनेट यूज करते हो, तो इसका फायदा उठाओ। तो एनीवे, ये आप में से मैक्सिमम लोग फॉर्म भर चुके हैं, तो अगर आपकी फॉर्म से रिलेटेड कोई क्वारी है तो आप उनको एक ऑफिशियल मेल करें या फोन पे बात करने की कोशिश करें, क्योंकि फोन नंबर मैं दे जरूर रहा हूं पर जरूरी नहीं कि फोन पिक करें, तो ऑफिशियल एक मेल कर दें। अगर जेन्युइन मिस्टेक होगी तो फॉर्म ओपन भी कर देंगे, कुछ बच्चों का करा भी है, नहीं होगी तो नहीं करेंगे, बाकी फॉर्म कैंसिल नहीं होगा, इसलिए उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप अपनी प्रिपरेशन करिए। अब बात आती है कि हमारे पास 55 डेज हैं, हमें 24 मई को पढ़ाई लास्ट बंद करनी है, तो एक तरह से 54 डेज में हम क्या क्या कर सकते हैं उस पर थोड़ा सा मैं आपको वर्क करवाऊंगा। आपको एवरी वीक टेस्ट मिल रहे हैं, आपको करीब 6-7-8 टेस्ट तक मिलते हैं, आपको पर डे 1 टेस्ट देना है। कुछ क्वेश्चन जो आपने भेजे थे वो मैं इस सेशन में भी डिस्कस करूंगा कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं बढ़ा पा रहे हैं, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसके लिए क्या करें। देखिए एक बात आपके साथ, मैंने जो हमने आपको पेपर्स दिए उसमें सारे एक्चुअल पेपर्स भी दे दिए, और आप एक चीज़ देखिए कि एक्चुअल पेपर में जो क्वेश्चन आए और फाउंडेशन कोर्स में जो चीज़ें कवर की हैं, अगर फाउंडेशन कोर्स अच्छे से किया है तो एक्चुअल पेपर का कोई क्वेश्चन ना बने ऐसा पॉसिबल नहीं है। 10 साल के एक्चुअल पेपर देख लीजिए उठा के और फाउंडेशन कोर्स देखिए। इसीलिए देखिए कई बच्चे जो ऑनलाइन कोर्स खरीदा था जिन्होंने, वो जब यहाँ भोपाल आए और यहाँ पर इवन नॉन मैथ्स वाले भी वो परफॉर्मेंस, टॉप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ उन्होंने पढ़ा है। वो कहते हैं सर आपकी वीडियो में हर एक चीज़ कवर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और वो इतने अच्छे से कवर करा है, बहुत अच्छे से उसको देखा है। तो अगर आपने कोर्स लिया तो बस एक चीज़ याद रखिए कि उस कोर्स को लेना नहीं है, उस कोर्स को लेने के बाद पढ़ना भी है, यानी सेल्फ डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ ध्यान रखिए आपको, आप मैं बोलता रहा, आपके पास 10 साल के एक्चुअल पेपर और कोर्स से आप कंपेयर करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए जब मैं आजकल आपको 8-10 पेपर जो भेजता हूँ उनमें सभी पेपर के सॉल्यूशन नहीं, केवल आपको मॉक पेपर और एक्चुअल पेपर के सॉल्यूशन इसलिए दे रहा हूँ, वो भी आपको आप रेगुलर वेबसाइट पर विजिट करते रहिए जिससे कि आपको न्यू अपडेशन मिलते रहे। तो बाकी पेपर्स किस लिए नहीं, क्योंकि आपको पहले खुद से सॉल्व करना नहीं हो तो उसके उस क्वेश्चन उस टॉपिक के रिलेटेड फाउंडेशन कोर्स पर जाएं। पर अगले पर 55 डेज जो एकेडमी में होने वाला है वो मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले आप एकेडमी में एवरी डे, यहाँ पे लगभग सिलेबस हो गया, कुछ रिवीजन क्लास है,
क्विक रिवीजन क्लास, वो मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। वो क्विक रिवीजन क्लास शेयर करने का मतलब ही यही, जबकि कोर्स है उसके बाद भी, कि आप एक बार फिर से कहीं ना कहीं कनेक्ट बने रहे। मैंने आपसे बोला था कि मैं साल भर आपसे कनेक्ट रहूंगा, और जूनियर्स को बोलना चाहूंगा वो क्विक रिवीजन आपके लिए बहुत यूजफुल नहीं है, आप तो डिटेल में पढ़िए, आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले जो जुड़ रहे हैं और पूरा डिटेल में पढ़िए, ये तो बाद के लिए है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन है। तो ये क्विक रिवीजन ये चलता रहेगा, आप इसका बेनिफिट लीजिए। तो मैं बात करना चाहूंगा कि यहां पर अब केवल या तो टॉपिक का क्विक रिवीजन होगा या फिर रेगुलर टेस्ट होते हैं। तो मॉर्निंग में एक टेस्ट है और कुछ दिन आफ्टरनून में भी टेस्ट है, दो वीकली टेस्ट है मॉक पेपर, एक संडे को एक थर्सडे को। तो आपको ये सारे पेपर्स मिलेंगे, इन पेपर्स को आप एक दिन में एक या एक दिन में दो करिए, बहुत अच्छे से सॉल्व करिए, हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करिए। दूसरी बात, आप में से अगर किसी के मैथ्स में 20-15 के आसपास अटेम्प्ट हो रहा है, रीच में 5-10, इनको कैसे बढ़ाएं, इस पे मैं आपको इस बात के लिए बताना चाहूंगा। नंबर वन थिंग कि आपके पास 120 मिनट है, इसका आप में 60 मिनट आपको देना है मैथ्स में, 40 मिनट आपको देना है एलआर में, 10 मिनट आपको देना है कंप्यूटर फंडामेंटल में, और 10 मिनट आपको देना है इंग्लिश में। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये स्कैनिंग भी इसी टाइम में आपको करनी है। अगर आपके 10 से 15 मैथ्स में हो रहे हैं तो आप ये मत सोचिए 40 ही है, फाइनल एग्जाम तक आप 40 प्लस ही करोगे, बट अभी 40 की जगह अगर 15 हो रहा है तो 25 पे पहले आप सोचो कि मैं पहले 25 मैथ्स में करूंगा, 20 रीजनिंग में करूंगा। जब 25 आप फेयर टारगेट लेंगे तो आपके पास 60 मिनट है, 10 मिनट में स्कैनिंग करी और हर क्वेश्चन को 2 मिनट मिलेंगे। उन 25 में भी मैं श्योर हूं कि 4-5 होंगे जो स्टैंडर्ड होंगे, यानी आपको लगभग एक क्वेश्चन में 3 मिनट मिलेगा। जहां आप 25 को क्रॉस करेंगे फिर इसी अप्रोच से 30, 35, 40, यही काम रीजनिंग में, यही काम कंप्यूटर में करना है। दूसरा एक चीज याद रखिए, जब आप फाइनल पेपर देने जाएंगे, अभी भले ही कम ज्यादा हो, पर अगर हर पेपर को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिया, उन क्वेश्चंस को दिमाग में रखा, तो मैं श्योर हूं कि फाइनल पेपर आपको देखते ही बनेगा, क्योंकि इतने सारे पेपर से मिलके आपको एक पेपर मिलने वाला है। नेक्स्ट 55 डेज में लगभग 80-100 पेपर आपको मिलेंगे। अभी भी 55 डेज है, पॉजिटिव माइंड से प्रिपरेशन करेंगे तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और अगर ये सेशन सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर वाले सुन रहे हैं तो मैं बहुत क्लियरली बोल दूं, क्योंकि मुझसे कई बच्चों ने जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों ने कोर्स लिया वो बोलते हैं सर हम भी क्विक रिवीजन हमें भी करना है क्या। तो मैं बता दूं कि आपको इस तरह से नहीं, आपको अपना बेस बनाते हुए पढ़ाई करना है। एक टॉपिक एटलीस्ट 15-20 डेज में ही करिए धीरे धीरे, और आपकी टेस्टिंग भी ऐसी होगी जैसे अभी फाइनल ईयर वालों की हो रही है, बल्कि इससे ज्यादा ही होगी हो सकता है, पर अभी आपको हफ्ते में एक ही पेपर देना है। तो बेसिक कवर करते हुए चलिए, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव माइंड से प्रिपरेशन करिए, रिजल्ट हमेशा अच्छा आएगा, उसकी चिंता मत करिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, एंड वंस अगेन फॉर्म फिल नहीं किया तो इमीडिएटली फिल करें। एक और बात बोलना भूल गया कि कुछ बच्चों ने, नए बच्चों ने पूछा था पिछले सेशन में कि टेस्ट सीरीज से कैसे जुड़े या इम्पीटस गुरुकुल के कोर्स से, तो मैं एक बात बताना चाहूंगा, टेस्ट सीरीज या इम्पीटस गुरुकुल के कोर्स से जुड़ने के लिए आप इम्पीटस गुरुकुल की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है www.impetusgurukul.com, वहां से आप टेस्ट सीरीज या ऑनलाइन कोर्स लेके जुड़ सकते हैं, और समय रहते हुए पढ़ाई करिए, एक्शन लीजिए, बैठिए मत, नेक्स्ट ईयर करेंगे, कल करेंगे, इससे अच्छा आज अभी से करेंगे। जिस दिन आप ही ठान लो कि आपको क्या करना है, भले ही एमसीए की प्रिपरेशन करो या जो भी एग्जाम की, उस दिन से प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर उसके बाद भी नहीं करोगे तो इसका मतलब फिर आप अपने आप को कहीं ना कहीं खो रहे हो। देन वंस अगेन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।